नमस्कार दोस्तों, स्टार्स अनफोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूबिका लियाकत के बारे में, जो एक जर्नलिस्ट है। उनका जन्म 18 अप्रैल को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। यह है उनके फादर और यह है उनकी मदर। उनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम अंजुम लियाकत है। उनके हस्बैंड नावेद कुरैशी हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। उनकी शादी 28 अप्रैल 2012 को हुई थी। रूबिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की। वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रूबिका ने वर्ष 2003 में न्यूज चैनल 24 में लगभग 3 महीने तक एक एंकर के रूप में काम किया। रूबिका ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद जून 2007 में लाइव इंडिया न्यूज चैनल में काम करना शुरू किया। इस चैनल में उन्होंने सितंबर 2008 तक काम किया। वर्ष 2008 में वो चैनल न्यूज 24 में बतौर एक सीनियर करेस्पोंडेंट के रूप में काम किया। इसके बाद रूबिका ने जी न्यूज चैनल के साथ रिपोर्टिंग और एंकरिंग करना शुरू किया। अगस्त 2018 में रूबिका ने जी न्यूज चैनल से रिजाइन दे दिया और एबीपी न्यूज नेटवर्क में शामिल हो गई। एबीपी न्यूज में उन्होंने प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक की मेजबानी की। इस शो में कुछ बड़े नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च बेस्ड स्टोरीज को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा रूबिका लियाकत ने ताल ठोक के शो में मेजबानी भी की। इस शो से रूबिका को लोगों द्वारा काफी पॉपुलैरिटी मिली। अप्रैल 2019 में वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाली भारत की कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से एक रही। इस इंटरव्यू से रूबिका काफी फेमस हुई। रूबिका लियाकत जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी से काफी इंस्पायर है। रूबिका लियाकत को ब्रेड पकौड़ा और लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद है। वो एक डॉग लवर है। उनके पास एक डॉग है जिसका नाम रोमियो है। तो चलिए अब बात करते हैं रूबिका लियाकत की हॉबीज के बारे में। तो उन्हें ट्रैवलिंग, रीडिंग और राइटिंग बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रूबिका लियाकत से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।